हेलो नमस्कार, मैं हूं मुनीश राजदान। आज फिर हम लोग आपके लिए लेके आए हैं ब्रियोवेंट वेंटिलेटर, है इंडियन वेंटिलेटर, बहुत ही अच्छा वेंटिलेटर इंडिया में बना है पहली बार। मतलब हम ना बोलें तो आप कह नहीं सकते कि इंडियन है। यूनिवर्सल वेंटिलेटर है, नियोनेटल, एडल्ट, पीडियाट्रिक तीनों मोड कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। टर्बाइन बेस्ड है, इतनी सुंदर इसके साथ ट्रॉली है, ब्रेक है आगे व्हील्स में, दोनों व्हील्स में ब्रेक है और टर्बाइन बेस्ड वेंटिलेटर है। हाई फ्लो लो फ्लो दोनों यूज़ कर सकते हैं। हाई फ्लो ऑक्सीजन, हाई प्रेशर ऑक्सीजन हमने इससे लगाया है सिलेंडर से। हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल लाइन नहीं है तो अभी हम ये हाई फ्लो का कनेक्शन है। यहाँ पे लो फ्लो हम लोग फ्लो मीटर से भी ऑक्सीजन दे सकते हैं कि इनकेस आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से इसको चलाना है, आपके पास हाई प्रेशर ऑक्सीजन नहीं है तो आप यहाँ पे लो फ्लो ऑक्सीजन भी ऐड कर सकते हैं। पीछे इसमें ये इसको कूलिंग के लिए फ़ैन है, मशीन को कूल ठंडा रखने के लिए। ये HDMI पोर्ट है, RS232 पोर्ट है और ये USB पोर्ट है एक माउस लगाने के लिए। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, पावर इनलेट, बैटरी इनबिल्ट है इसमें, 6 से 8 घंटे की बैटरी का पावर बैकअप है। यहाँ पे इसमें ये ह्यूमिडिफायर लगाने के लिए हमने खोला नहीं है, नया स्टैंड है, ह्यूमिडिफायर लगाने के लिए क्लैंप है। और पीछे इसमें एक और ये छोटी सी बास्केट दी गई है, इसमें आप कुछ भी सामान ट्यूबिंग और पावर कॉर्ड वगैरह रैप करके इसमें रख सकते हैं, नीचे नहीं गिरेगा। साइड में ये रेल्स दिए गए हैं सर्किट सपोर्ट आर्म लगाने के लिए, आप ये आर्म खोल के उस साइड भी लगा सकते हैं और दूसरी साइड भी लगा सकते हैं, किसी भी साइड लगा सकते हैं। ऑन करके देखते हैं मशीन को, आप ये मशीन ऑन कर रहे हैं हम। पीछे से स्विच जो है दबाएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस है, 2 सेकंड प्रेस करेंगे तो मशीन ऑन होती है। ये ऊपर इंडिकेटर है, इसमें अलार्म, विजुअल अलार्म देखने के लिए यहाँ पे लाइट जलती है। ये इसका कंट्रोल नॉब है, वैसे ये मशीन टच स्क्रीन है। ये 2 पेशेंट ये इसका 2 पेशेंट है, इंस्पिरेटरी पोर्ट है, ये एक्सेलेशन पोर्ट है। इधर से फ्लो सेंसर हम इसमें लगाते हैं, फ्लो सेंसर जो है इसका एक्सटर्नल है। इस फ्लो सेंसर को हम डिस्टल एज अ डिस्टल फ्लो सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं और प्रॉक्सिमल एज अ प्रॉक्सिमल सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। नियोनेटल के लिए ये एक एडल्ट और पेडियाट्रिक के लिए एक फ्लो सेंसर है और न्यूनेटल के लिए अलग से फ्लो सेंसर आता है। न्यूनेटल के लिए आपको अलग फ्लो सेंसर यूज़ करना पड़ेगा, दो ही फ्लो सेंसर आपको मिलेंगे। ये इसमें हमने फिक्स कर दिया, अभी हम इसको एज अ डिजिटल फ्लो सेंसर यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल यूज़ करना है तो आप ये ट्यूबिंग कट करके यहाँ पे लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूबिंग वगैरह आपको लटकाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कट करके बिल्कुल यहीं पे लगा सकते हैं। ये सिर्फ डेमो के लिए हमने रखा हुआ है कि एज ए अगर आपको प्रॉक्सिमल सेंसर की तरह भी दिखाना है तो हम इसको एज ए प्रॉक्सिमल सेंसर कनेक्ट करके दिखा सकें। ये हमने ऑन किया था तो ये इसका होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन में अभी मेन्स डिसकनेक्टेड दिखा रहा है इसलिए उसका अलार्म लाइट इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ये बैटरी दिखा रहा है, 83% बैटरी है, अभी बैटरी पे चल रहा है, 83% बैटरी है। ये प्लग रेड कलर का आ रहा है, इसका मतलब है अभी पावर सप्लाई कनेक्ट नहीं किया है, मेंस एसी पावर नहीं है। जैसे ही एसी पावर कनेक्ट करेंगे तो ये प्लग जो है यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसको पहले चेक करके देख लेते हैं, इसमें सेल्फ चेक भी है, मतलब वेंटिलेटर खुद को चेक करता है। पहले आप इसको पेशेंट सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, वेंट चेक करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस ये बोलेगा। कनेक्ट एसी पावर, पहले एसी पावर लगाना है,
अभी हमने एसी पावर कनेक्ट कर दिया तो ये प्लग ग्रीन हो गया। अब इसने बोला इंस्ट्रक्शंस में सेल्फ वेंट चेक के लिए कनेक्ट एसी पावर 110 वोल्ट से 230 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, कनेक्ट ऑक्सीजन 50 टू 60 PSI, ऑक्सीजन हमने कनेक्ट कर दिया 50 टू 60 PSI, कनेक्ट पेशेंट सर्किट होज एंड फ्लो सेंसर, फ्लो सेंसर एंड पेशेंट सर्किट कनेक्ट कर दिया, कीप द पेशेंट वाई ओपन, पेशेंट वाई जो है हम इसको ओपन कर रहे हैं, नो टेस्ट लंग नो ऑक्लूजन, इसको बंद भी नहीं करना है और कोई टेस्ट लंग भी नहीं लगाना है टेस्ट करने के लिए, एक्सेप्ट। ये अभी अपना सेल्फ टेस्ट कर रहा है, जीरोइंग हो गया, पास हो गया, सिस्टम टेस्ट पास हो गया, होज रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है, अभी जो भी हमने सर्किट लगाया है उसका रेजिस्टेंस चेक हो रहा है, सेइंग इट इज इन प्रोग्रेस। पास हो गया, ऑक्सीजन सेंसर प्रोग्रेस में है, ऑक्सीजन सेंसर टेस्ट पास हो रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है ये ब्लॉक पेशेंट वाई बाई हैंड और प्लग, नो गैस टू एस्केप, इसको जो है या तो प्लग करना है या हाथ से इसको बंद करना है वाई को टेस्ट पास करने के लिए, अभी हम हाथ से ब्लॉक कर रहे हैं, ओके। देखिए सारे टेस्ट पास हो गए हैं, अब इसको हम एग्जिट करेंगे, ये एग्जिट कर लिया। अब आती है हमारी होम स्क्रीन, होम स्क्रीन में ऑप्शंस हैं हमारे पास, पहले इसको सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें एक क्विक मोड है, क्विक मोड का मतलब है कि आप तो कोई भी डॉक्टर्स जैसे आईसीयू में वेंटिलेशन स्टार्ट कराते हैं तो हर डॉक्टर का एक अपना स्टाइल है, अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं स्टाफ को कि पेशेंट आ रहा है तो आप इस क्विक मोड, हम लोग इसमें एक ऑप्शन है, क्विक मोड का मतलब है कि इसमें जैसे क्विक मोड में जाएंगे तो ये हमें 5-6 ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो हम इन ऑप्शंस को एक हर किसी डॉक्टर के नाम पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कि कई डॉक्टर होते हैं कि नहीं मेरा पेशेंट आया है ऐसा ऐसा वेट है तो आप इसको इतने पैरामीटर्स के ऊपर स्टार्ट कर दीजिए, तो वो एक ही स्टाइल में ऑन करवाते हैं वेंटिलेटर, तो मतलब उनकी सेटिंग्स जो है एक पर्टिकुलर डॉक्टर की हम प्री सेट इसमें कर सकते हैं, तो जैसे ही वो पेशेंट आएगा उनका तो हमसे सपोज़ डॉक्टर शर्मा का पेशेंट है तो हमने इनको क्लिक किया या हमें इनको नाम देना है किसी को भी तो हम इसको सपोज डॉक्टर वर्मा तो ये कंफर्म कर देंगे, तो यहाँ पे अब ये सेटिंग्स जो हैं ये डॉक्टर वर्मा के नाम से स्टार्ट हो जाएंगी, जब भी कोई डॉक्टर वर्मा का पेशेंट आएगा हम क्विक मोड में जाएंगे, डॉक्टर वर्मा सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म तो हमने कर दिया था, अभी एक बार हमें चलाना पड़ेगा, ये करने के बाद में जैसे दोबारा डॉक्टर शर्मा का पेशेंट आएगा तो हम लोग क्विक मोड में जाएंगे, डॉक्टर वर्मा करेंगे एक्सेप्ट स्टार्ट, तो ये डॉक्टर वर्मा की सेटिंग्स जो हैं पेशेंट पे स्टार्ट हो जाएंगी, तो ऐसे ही हम लोग 6 डॉक्टर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि या लास्ट पेशेंट जो था हमें उसको ही दोबारा से लगाना है तो भी हम इसको लास्ट पेशेंट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे तो भी लास्ट पेशेंट की सेटिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं न्यू पेशेंट करेंगे, न्यू पेशेंट एडल्ट पीडियाट्रिक न्यूनेटल जो भी आपको चूज़ करना है वो चूज़ करेंगे, सर्किट वो हम वैसा लगाएंगे, अभी हम एडल्ट पे काम करते हैं, एडल्ट इन्वेजिव, इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव या ओटू थेरेपी जो भी आपको देना है, ओटू थेरेपी भी इसमें हाई फ्लो अवेलेबल है, इन्वेजिव पहले ये मोड्स देख लेते हैं, इन्वेजिव में सपोज वॉल्यूम कंट्रोल असिस्ट कंट्रोल में हम लोग जाते हैं, ये मोड्स हमने सिलेक्ट कर लिए, ये सेटिंग्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं नीचे से, FiO2 एडजस्ट करना है तो इसको पकड़ के हम लोग ड्रैग कर सकते हैं, 21 to 100 हम लोग कहीं भी सेट कर सकते हैं, जो भी सेटिंग होगी हमारी यहाँ पे दिखाता रहेगा कितने पे हमने सेट किया है, सपोज हम इसको
30 पे सेट करते हैं, एक्सेप्ट। ये हो गया टाइडल वॉल्यूम 350 है, इसको भी इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस से भी कर सकते हैं और इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद एक्सेप्ट करना है। पी पॉज है, पीप है, रेस्पिरेटरी रेट है, इंस्पिरेटरी टाइम है, फ्लो ट्रिगर है। इंस्पिरेटरी टाइम सेट करेंगे तो आपको आई रेशियो यहाँ पे दिखाता रहेगा, जो भी आपको रखना है उसको रख सकते हैं। फ्लो ट्रिगर, प्रेशर ट्रिगर दोनों है। आप प्लस साइड में जाएंगे तो ये आपको फ्लो ट्रिगर दिखाएगा, माइनस में जाएंगे तो इधर प्रेशर ट्रिगर दिखाएगा। साई आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपको ऑन ऑफ रखना है, नहीं रखना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये वेंटिलेशन स्टार्ट कर दिया। मोड आपको यहाँ दिखा रहा है, वॉल्यूम कंट्रोल, एसिस कंट्रोल, इन्वेसिव एडल्ट। ये अलार्म का इंडिकेशन है। ये वेव फॉर्म्स हैं, इसमें वेव फॉर्म्स भी कलरफुल हैं। ये तीनों वेव फॉर्म्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, फ्लो। ये न्यूमेरिक्स आपको इतने सारे दिखाता है, साथ में वेव, तीन वेव फॉर्म्स के साथ में इतने सारे न्यूमेरिक्स हैं। पी आई पी है, पी मीन है, पीप है, टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल्ड है, इंस्पायर्ड टाइडल वॉल्यूम है, मिनट वॉल्यूम है, टोटल रेस्पिरेटरी रेट है, स्पॉन्टेनियस भी आपको अलग से दिखाता है और टोटल भी दिखाता है। FiO2 मॉनिटर, ये एक्चुअल मॉनिटर्ड पैरामीटर्स हैं, ये सेट पैरामीटर्स हैं, ये मॉनिटर्ड पैरामीटर्स हैं। इतने सारे पैरामीटर्स आपको दिखाता है। फिर आपको कोई मोड चेंज करना है तो मोड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मोड्स इसमें प्रेशर कंट्रोल, असिस्ट कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, असिस्ट कंट्रोल, PRVC, CPAP विद प्रेशर सपोर्ट, APRV, प्रेशर कंट्रोल SIMV, वॉल्यूम कंट्रोल SIMV, PRVC SIMV, PCMMV, बाईफेसिक। इतने सारे मोड्स हमारे पास हैं। होम स्क्रीन हमारा ये रहता है। अब इसमें आपको अगर लूप्स देखना है तो ऊपर लूप्स को क्लिक कर दीजिए, लूप्स आ जाएंगे। वेव फॉर्म और लूप्स दोनों एक साथ आ जाएंगे विद लंग मैकेनिक्स। लंग मैकेनिक्स की रीडिंग भी आपको देगा, वेव फॉर्म्स भी दे रहा है और तीनों लूप्स भी दे रहा है, और साथ में कुछ थोड़े से जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो भी आपको साथ में दिखाएगा। वेव फॉर्म्स के कलर आप चूज़ कर सकते हैं, आपको वेव फॉर्म का कलर कुछ और डिफरेंट रखना है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है, अच्छा सॉरी, वेव फॉर्म लूप्स के बाद में एक और ऑप्शन है वैल्यूज़। इसमें आपको सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इतने सारे टाइप से आप मॉनिटरिंग इसमें कर सकते हैं। और इसमें स्पेसिफिकली एक और फीचर है PO2 इनलेट, प्रेशर ऑक्सीजन इनलेट। कितना प्रेशर पीछे से ऑक्सीजन का आ रहा है ये भी हमेशा आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा, डिजिटली आप देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है अलार्म्स। अलार्म्स में आपको कई जगह वेंटिलेटर्स में है कि आप हाई लो सेट करते हैं, वहाँ पे आपको पता नहीं लगता कि आपका एक्चुअल वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आपको साथ साथ एक्चुअल वैल्यूज़ भी दिखाएगा कि आपको कितना आ रहा है और आपको कितना रखना है। ये जो भी सेट करेंगे ऊपर आपको दिखाता है। सेट करने का तरीका वही है, प्लस माइनस, या आप पकड़ के इसको ड्रैग कर सकते हैं। और ऑटो सेट करना है तो ऑटो सेट भी कर देंगे तो ऑटो सेट से अपने आप प्लस माइनस थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे ये करके सेट कर देगा। नेक्स्ट है ट्रेंड्स एंड लॉग्स। ग्राफिकल ट्रेंड्स आप देख सकते हैं, ट्यूबुलर ट्रेंड्स आप देख सकते हैं, इवेंट लॉग्स आप देख सकते हैं, और आप इसको अलग अलग भी देख सकते हैं। टेक्निकल जो देखना है वो भी आप देख सकते हैं, हाई प्रायोरिटी जो है वो देख सकते हैं, मीडियम प्रायोरिटी वाले जो अलार्म्स थे, ट्रेंड्स थे, वो भी देख सकते हैं। मीडियम जैसी प्रायोरिटी वाले आपको देखने हैं वैसे ट्रेंड्स आप देख सकते हैं। सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में आप डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं,
कैसा फॉर्मेट आपको चाहिए वो रख सकते हैं। ब्राइटनेस आप इसका सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। दिन और रात की ब्राइटनेस आप अलग अलग कर सकते हैं, ये डे ब्राइटनेस है, ये नाइट की ब्राइटनेस है, तो ये आप अपने हिसाब से इसको। एडजस्ट कर रख सकते हैं कि दिन में कैसा और रात में कैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अलार्म का वॉल्यूम भी आप सेट कर सकते हैं दिन और रात का अलग अलग, कितना रखना है। नंबर ऑफ़ वेव फॉर्म्स ये भी आप चूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले में कैसी रखनी है। गैस का स्टैंडर्ड आप चूज़ कर सकते हैं, ATPD, STPD, BTPS, जो भी आपको रखना है। वेव फॉर्म टाइप, इसमें एक और ऑप्शन है, वेव फॉर्म टाइप जो है ये अभी देखिए होम में ये फिल्ड आ रही हैं, वेव फॉर्म्स फिल्ड आ रही हैं, हरा रंग भरा हुआ है, ये दूसरा रंग भरा हुआ है, नीचे दूसरा रंग भरा हुआ है। तो इसको सपोज हम स्टैंड बाई में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो वेव फॉर्म फिल्ड आया हुआ है। अभी इसको हम लाइन कर देते हैं सेट। अभी अगर हम इसको चलाएंगे लास्ट पेशन हम करके इसको कर देते हैं, अभी देखिए वेव फॉर्म जो है लाइन में आएगी, अब ये फिल्ड नहीं आ रही है। तो ये भी आप जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा रख सकते हैं। लाइन जो है दूर से दिखाई नहीं देती है, फील्ड वेव फॉर्म जो है पूरा दूर से भी दिखाई देती है। तो हम इसको फील्ड कर लेते हैं फिर से, देखने में भी अच्छा लगता है फील्ड। फिर से भरा हुआ आ गया वेव फॉर्म कलरफुल। अभी हम स्टैंड बाई में चलते हैं एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसमें फिजिकल सेटिंग्स पे हमने देखा, ब्राइटनेस देखा, अलार्म वॉल्यूम देखा, गैस स्टैंडर्ड देखा, वेव फॉर्म का टाइप हमने चेंज किया, नाइट और डे का टाइम आप सेट कर सकते हैं, कब स्टार्ट हो और कब एंड हो टाइम वो आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसका जो वेव फॉर्म है आपका वो कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं, प्रेशर का कौन सा रखना है, वॉल्यूम का कौन सा रखना है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने कलर्स इनके सेलेक्ट किए। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं हम, यहाँ पे O2 फ्लश टाइम में आप ऑक्सीजन जो प्री पोस्ट ऑक्सीजन हम लोग देते, प्री पोस्ट सक्शन ऑक्सीजन देते हैं, इसका टाइम भी हम लोग प्री सेट कर सकते हैं, आपको कितने टाइम के लिए देना है, 2 मिनट 3 मिनट जितना भी आपको रखना है उतना आप रख सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है O2 फ्लश FiO2। O2 फ्लश में आपको कितने परसेंट ऑक्सीजन आप देना चाहते हैं, मतलब नॉर्मली सेटिंग ये नहीं होती है, नॉर्मली वेंटिलेटर्स में होता है तो 100% ही ऑक्सीजन जाएगी, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं कि आपको ऑक्सीजन फ्लश में कितने परसेंट ऑक्सीजन देना है, ये भी एक अच्छा फीचर है। नेक्स्ट है इसमें पेशेंट फ्लो सेंसर पोजीशन। पेशेंट फ्लो सेंसर जो है आप इसको डिजिटल रखना चाहते हैं, यहाँ जो फ्लो सेंसर हम लोग लगाते हैं इसको डिजिटल बोलते हैं, और अगर फ्लो सेंसर हम पेशेंट एंड पे लगाते हैं यहाँ पे तो इसको हम लोग प्रॉक्सिमल सेंसर बोलते हैं। तो वो आप जो भी लगाएंगे उसको सेलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे, नहीं तो रीडिंग ठीक नहीं आएगा। तो हमने इसको अभी एडल्ट कर रहे हैं तो डिजिटल सेलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन, इसमें ऑक्सीजन सेंसर टाइप एनालॉग है, इसको कुछ नहीं करना है। ह्यूमिडिफायर टाइप एक्टिव है या पैसिव है वो आपको चूज़ करना है, HME लगाना है या जो भी है उसको आप चूज़ कर लीजिए। लो फ्लो ऑक्सीजन डिसेबल, अगर आप लो फ्लो ऑक्सीजन इसमें लगा रहे हैं, हाई प्रेशर नहीं है तो आप इसमें लो फ्लो एनेबल करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी स्पॉन्टेनियस ब्रीद विंडो, तो इंस्पिरेटरी स्पॉन्टेनियस ब्रीथ का विंडो जो है उसको भी आप परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं कितना रखना है।
एक्सपिरेटरी ब्रीदिंग विंडो का आप टाइम सेट कर सकते, परसेंटेज सेट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंसिटिविटी ट्रिगर का जो टाइम है वो कितना फ्रीक्वेंट आपको कितने मिली सेकेंड रखना है वो भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना सेंसिटिव आपको इसको रखना है। कंप्रेसिबल वॉल्यूम कंपनसेशन आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, लीकेज कंपनसेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। लीकेज कंपनसेशन कितने परसेंट आपको कंपनसेट करना है वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें यूज़र कैलिब्रेशन, सिलेक्ट पेशेंट कैटेगरी, उसको यूज़र कैलिब्रेशन में करने के लिए हमें पेशेंट करना पड़ेगा, वो पेशेंट के हिसाब से वो करेगा कैलिब्रेट। अभी कॉन्फ़िगरेशन में यूज़र कैलिब्रेशन में, तो ये जो हमने टेस्ट स्टार्टिंग में एक साथ किए थे सेल्फ टेस्ट, तो आप यहाँ पे अलग अलग से भी इनको टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्यूब कंपनसेशन, ट्यूब टाइप आप चूज़ कर सकते हैं ताकि आपको एक्यूरेट रीडिंग्स मिले, एक्यूरेट डिलीवरी मिले, वेंटिलेशन प्रॉपर हो। ट्यूब टाइप आप चेक कर सकते, मतलब चेंज कर सकते हैं, एंडोट्रेकल है या ट्रेकिस्टमी है। ट्यूब डायामीटर क्या है, कितने डायामीटर की ट्यूब हमने लगाई है। ट्यूब कॉम्पनसेशन ईटी ट्यूब या टीटी ट्यूब, टीटी जो भी है उसको हमें कितने परसेंट कॉम्पनसेट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्पिरेटरी ट्यूब कॉम्पनसेशन है, एक्सपिरेटरी ट्यूब कॉम्पनसेशन एबल डिसेबल आप कर सकते हैं। अबाउट अस में आ जाएंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इसका वेंटिलेटर का सीरियल नंबर वगैरह, वर्जन क्या है, स्टैंड बाई टाइम क्या था, रनिंग टाइम क्या था, पूरा आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा। कौन कौन से मोड्स इसके अंदर हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें अबाउट अस में मिल जाएंगी। मीडिया, मीडिया एक अच्छा फंक्शन है इसमें, जैसे हम लोग हमारा कोई मशीन चल रही थी इसमें, सपोज़ आप एक कोई भी इसका हमने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया, इसको हम लोग स्क्रीनशॉट जो सपोज़ ये स्क्रीनशॉट हम अभी ले रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट हमारे पास आ गया, तो इसको हम लोग होम में जाएंगे, सॉरी स्टैंड बाई में जाएंगे, सेटिंग्स में गए, मीडिया में गए, तो यहाँ पे ये स्नैपशॉट जो था हमारा यहाँ पे, ये देखिए सेव हो गया, तो ये स्नैपशॉट आपको कैप्चर हो जाता है और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पीछे यूएसबी पोर्ट है उसमें लगा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर किसी को आपको भेजना है। और एक फंक्शन है इसमें लास्ट पेशन हम स्टार्ट करते हैं, इसमें जैसे अभी एक ये हो जाए, अगर आपको इसको कुछ मेजरमेंट देखना है, कुछ पेशेंट का लूप्स कैसे बन रहे हैं, वेव फॉर्म कैसा जा रहा है, इसको आप पॉज कर लीजिए। पॉज करके आप इसको ऐसा करेंगे तो ये लाइन देखिए इसके साथ चल रही है, यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन दे रहा है वॉल्यूम फ्लो प्रेशर का। ये लाइन मूव कीजिए, ऐसे ही लूप्स में आप कर सकते हैं, पूरा मेजरमेंट आप इसका देख सकते हैं, ये भी बड़ा अच्छा फंक्शन है। नेक्स्ट हमने देखा था ट्यूब कंपनसेशन, मीडिया हमने देख लिया था, टेक्निकल सर्विस, ये सर्विस के लिए है, कैंसिल, होम, और इसमें एक मोड्स में सारे उसमें दिखा देता हूँ। एडल्ट में हमने देख लिए थे, न्यू पेशेंट, पेडियाट्रिक में कौन कौन से मोड हैं, इन्वेजिव में देख लेते हैं, इन्वेजिव में भी वही, पेडियाट्रिक में भी एडल्ट वाले ही ऑलमोस्ट सारे मोड्स हैं। न्योनेटल में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, न्योनेटल में हम लोग देख लेते हैं, न्यू पेशेंट, न्योनेटल, इन्वेजिव, इन्वेजिव में न्योनेटल में हमारे पास है प्रेशर कंट्रोल, पीआरवीसी, पीसीएसी, पीआरवीसी, सीपैप प्रेशर सपोर्ट, एपीआरवी, प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर, पीआरवीसी, पीसीएमएमवी, बाईफेसिक, इसमें एक मोड हम ऑन करके देख लेते हैं, इसमें ये आ रहा है FiO2 आप एडजस्ट कर सकते हैं, प्रेशर, इंस्पिरेटरी प्रेशर है, पीप है, रेट है, इंस्पिरेटरी टाइम है, फ्लो ट्रिगर, प्रेशर ट्रिगर, राइज टाइम, साई, ये सब मोड्स जो है हमें इसमें मिल रहे हैं। और नॉन इन्वेजिव में देखते हैं, नियोनेटल में नॉन इन्वेजिव में क्या क्या मिलेगा। नॉन इन्वेजिव में हमें ये पी सी ए सी, पी आर वी सी, एन सी पैप,
NIPPV बाईफेसिक प्रेशर कंट्रोल SAMV PRVC APRV ये सारे मोड हमें न्योनेटल में नॉन इन्वेजिव में मिलते हैं। लास्ट हम देख लेते हैं इसमें एक O2 थेरेपी। O2 थेरेपी में हम लोग अगर जाते हैं, O2 थेरेपी में हम हाई फ्लो ऑक्सीजन दे सकते हैं, तो HFNC जो हम लोग यूज़ करते हैं हाई फ्लो नेजल कैन्यूला यूज़ करने के लिए, इसको एक्सेप्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें सिर्फ ये सिंगल ट्यूब लगानी है, इसमें ये डबल सर्किट नहीं लगेगा, सिंगल ट्यूब लगेगी, फ्लो हमें यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ से आप FiO2 कंट्रोल कर सकते हैं कितने परसेंट ऑक्सीजन देना है, और फ्लो आप सेट कर सकते हैं कितना फ्लो आप दे सकते हैं इससे। 65 लीटर तक का फ्लो दे सकते हैं इसके साथ, HFNC कैन्यूला लगा सकते हैं आप। ये इतने सारे इसमें फीचर्स लोडेड हैं, मुझे नहीं लगता। और इसके अलावा एक चीज़ और हम लोग भूल गए इसमें, ये फंक्शंस है, इसको हम लोग देख लेते हैं। न्यू पेशेंट, एडल्ट, नॉन इन्वेजिव या लास्ट पेशेंट कर देते हैं एक्सेप्ट। ओ इसमें तो वो ले लिया था, और उसको क्विक मोड में डॉक्टर वर्मा पे चले जाते हैं। स्टार्ट वेंटिलेशन, इसमें ये फंक्शंस है, फंक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे हम कितने सारे मैनोवर्स कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। नेबुलाइजर भी इसमें इनबिल्ट है, इनबिल्ट नेबुलाइजर चलाने के लिए हम ये इसको ऑप्शन को जाते हैं, नेबुलाइजर स्टेटस डिसेबल है अभी, इनेबल करते हैं एक्सेप्ट। यहाँ से ट्यूब लगा के हम टी पीस लगा के पेशेंट को नेबुलाइज कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज्ड नेबुलाइजेशन इससे आप दे सकते हैं। अभी इसको डिसेबल करते हैं, इसमें आपको पोजीशन भी देखना पड़े, नेबुलाइजर टी आप कहाँ लगा रहे हैं, पोजीशन आफ्टर सेंसर लगा रहे हैं, बिफोर सेंसर लगा रहे हैं, वो भी आपको इसमें देना पड़ेगा। टाइम आप इसमें सेट कर सके, कितने देर के लिए आपको नेबुलाइज करना है, उतनी देर के बाद में आप इसको खुद से नेबुलाइज करके ये बंद हो जाएगा। फ्लो जो है वो फिक्स है, 6 लीटर पर मिनट फ्लो देगा नेबुलाइजर चलाने के लिए। दूसरा है इसमें इंस्पिरेटरी होल्ड, इसको करेंगे तो इसको स्टार्ट करके पकड़ के रखिए, इंस्पिरेटरी होल्ड हो जाएगा। देखिए अभी इंस्पिरेटरी होल्ड हो गया, छोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे प्लेटू प्रेशर और स्टैटिक कंप्लायंस आपको दे देगा। ऐसे ही एक्सपिरेटरी होल्ड है, इसको पकड़ के रखेंगे, एक्सपिरेटरी होल्ड हो गया, आपको यहाँ इंट्रिंसिक पीप वैल्यू दे आ जाएगी। नेक्स्ट है इसमें आप P0.1 मैनोवर कर सकते हैं, इंट्रिंसिक पीप मैनोवर कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, ये आपको इंट्रिंसिक पीप की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। लंग रिक्रूटमेंट मैनोवर भी इसमें आप कर सकते हैं, फॉर पैसिव पेशेंट्स ओनली, एंश्योर नो लीक इंक्लूडिंग ET ट्यूब लीक, नॉट फॉर स्पॉन्टेनियस पेशेंट्स, जो स्पॉन्टेनियस पेशेंट्स हैं उसमें नहीं करना है, यूज ओनली कैलिब्रेटेड फ्लो सेंसर टू हैव क्वालिटी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आप ये सब सेट कर सकते हैं, ये करने के लिए ये सब सेटिंग्स आप करके फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए लंग रिक्रूटमेंट मैनोवर जो है हम इसको कर रहे हैं, अलार्म आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये देखिए ये मैनोवर पूरा हो गया,
अभी आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। इतना देर वो रुका हुआ था तो पूरा वाइट वाइट आ रहा है। अलार्म जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ से आप साइलेंट कर सकते हैं। ये डेट और टाइम आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। ये साइकिल दिखाता है, साइकिल हो रहा है, लग बना हुआ फ्लक्चुएट होता रहता है। बहुत ही अच्छा वेंटिलेटर है, टर्बाइन बेस्ड ब्रियोवेंट, पहली बार इंडिया में ऐसा वेंटिलेटर बना है। आगे आपको देखा होगा, इसको ऑपरेट जो है आप टच स्क्रीन से भी कर सकते हैं, नॉब से भी कर सकते हैं। देखिए रोटेट करके आप नॉब कहीं भी जा सकते हैं। और अगर इन दोनों में से दोनों चीज़ें फेल हो जाएं, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, तो पीछे जो यूएसबी पोर्ट हमने आपको दिखाया था, इसमें आप माउस लगा के भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये यूएसबी पोर्ट है, इसमें यूएसबी माउस लगाइए और इसको माउस से भी आप अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए माउस का कर्सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माउस लगाएंगे तो कर्सर आप एज ए कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नियोनेटल में जो वॉल्यूम है, इसका टाइडल वॉल्यूम है, वो आप मोस्टली नियोनेटल में पूछते हैं इसमें वॉल्यूम कितना आप दे सकते हैं। न्यूनेट्स में 2 ml का आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि नहीं, 2 ml वॉल्यूम होना चाहिए, तो वो हम इसमें दिखा सकते हैं। PRVC में स्टार्ट किया तो यहाँ पे 2 ml तक का वॉल्यूम हम इसमें दे सकते हैं, मिनिमम टाइडल वॉल्यूम 2 ml हम लोग दे सकते हैं। Thank you.